हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपने पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक फायरवॉल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पीएफसेंस। सिंपल अपने गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे पीएफसेंस, उसके बाद जाएंगे पीएफसेंस की फर्स्ट लिंक, फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी फ्रेंड, उसके में डाउनलोड पर जाएंगे pfsense.org में। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे AMD 64, क्योंकि 32 बिट के सपोर्ट खत्म कर चुका है pfsense अब। और इंस्टॉलर में सेलेक्ट करेंगे, यदि आप USB के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं तो USB मेम स्टिक इंस्टॉलर, और यदि आप DVD राइट करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो DVD इमेज IS इंस्टॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम USB का थ्रू करेंगे तो USB इंस्टॉलर सेलेक्ट कर रहे हैं, और कंसोल रहेगा हमारा VGA। मिरर हम करेंगे नियर बाय का सिलेक्ट, जो कि है सिंगापुर, क्योंकि हम इस टाइम इंडिया में हैं और इंडिया के सबसे ज़्यादा नज़दीक सिंगापुर ही है। उसके बाद हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम रूसुफ सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लेंगे। मैं ये इंस्टॉलेशन आपको वर्चुअल बॉक्स पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसके लिए कुछ सेटिंग कर लेते हैं इसमें, जैसे नेटवर्क कार्ड हमने दो सिलेक्ट किए हुए हैं, एक तो ब्रिज मोड में रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वर्चुअल बॉक्स पर यूज़ कर रहा हूँ तो ब्रिज मोड में रखना होगा जो एज अ वैन एक्ट करेगा, और सेकंड एडेप्टर हमारा रहेगा इंटरनल नेटवर्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो एज अ लैन नेटवर्क एडेप्टर यूज होगा। और स्टोरेज में हमें सेलेक्ट कर लेनी है, अब ये जो हमें अभी इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड की है, सॉरी, हाँ ये रही, ठीक है, तो इसको ओके करते हैं और चलते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। पावर पीएफसेंस मशीन को मैंने पावर ऑन किया है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी ये फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जहाँ जहाँ बताना होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। वैसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हुआ रहता है, जो ये देखिए, जैसे ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट सेलेक्ट है, एंटर, इंस्टॉल पीएफसेंस, ओके एंटर, डिफॉल्ट की मैप यस सिलेक्टेड। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ऑटो ZFX सिलेक्टेड है, हमको ये सिलेक्ट नहीं करना है। यदि आपका ज़्यादा पुराना कंप्यूटर है, जैसे 10 साल 15 साल पुराना कंप्यूटर है और वो बायोस रन करता है, बायोस के थ्रू चलता है, UEFI सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको ये यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, ऑटो UFS बायोस। और यदि आपका ज़्यादा पुराना कंप्यूटर नहीं है, 5-7 साल पुराना ही कंप्यूटर है, तो आपको ऑटो UEFI ये सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो मेरा ज़्यादा पुराना है थोड़ा, तो मैं बायोस सेलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अभी इंस्टॉलेशन हो रही है फ्रेंड्स, 30% हो गई है। ये फ्रीवेयर फायरवॉल है फ्रेंड्स, और इसको आप लाइटली मत लेना। ये जैसे कोई बोलते हैं कि फ्री है या क्या होगी, ऐसी होगी नॉर्मल सी फायर, नॉर्मल फायरवॉल नहीं है, बहुत ही एडवांस फायरवॉल है फ्रेंड्स।
तो अभी ये बोल रहा है द इंस्टॉलेशन इज नाउ फिनिश्ड, बिफोर एग्जिटिंग द इंस्टॉलर वुड यू लाइक टू ओपन अ सेल इन द न्यू सिस्टम टू मेक एनी फाइनल मैनुअल मॉडिफिकेशन। तो हमें अभी सेल ओपन नहीं करना है, नो और रीबूट। मुझे वहां से हटाना होगा वरना फिर दोबारा उसी से हो जाएगा बूट। अब ये जो हमने इंस्टॉल किया कर दिया है उससे बूट हो रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी। इस वीडियो में हम केवल इंस्टॉलेशन करना ही सीखेंगे, इसकी बेसिक सेटिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसकी एडवांस सेटिंग हम आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। इसके थ्रू फ्रेंड्स आप एड्स भी ब्लॉक कर सकते हैं अपने नेटवर्क में, ना ही आपके मोबाइल पे कोई ऐड आएगा यूट्यूब को छोड़ के, क्योंकि यूट्यूब का कुछ अलग फंडा है, और ना ही आपके स्मार्ट टीवी में कोई ऐड आएगा, कंप्यूटर पर तो आएगा ही नहीं। चलो वो आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे, पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसकी कंप्लीट। अभी डीएनएस रिजोल्वर को स्टार्ट कर रहा है। और आगे की फ्यूचर की वीडियोस में हम सीखेंगे इसके थ्रू हम कैसे दो या तीन वैन बोले तो इंटरनेट को कंबाइन कर कर एक हाई स्पीड इंटरनेट कैसे बना सकते हैं। जैसे टीपी लिंक वगैरह का लोड बैलेंसर आता है उस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हो गया है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन डन और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। डीएससीपी के थ्रू इसने आईपी उठाया है वैन में 200 और 200 और 238, और लैन का अपना ये आईपी है, इसके थ्रू ही हम लॉगिन करेंगे और क्रोम या किसी वेब ब्राउजर के थ्रू, और इसको बेसिक सेटिंग्स को परफॉर्म करेंगे इसकी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पीएफ सेंस, हाउ टू कॉन्फ़िगर पीएफ सेंस बेसिक सेटिंग्स फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।